इंडिया की जो ट्रेन सिस्टम है ना वो पाकिस्तान से अच्छा है, मगर जो रोड्स है ना वो हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की मिलती जुलती रोड्स हैं। बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब कहीं पे लगा नहीं है कि हम इंडिया की रोड्स देख रहे हैं या पाकिस्तान की। हेलो गाइस, दिस इज मुमखान फ्रॉम पाकिस्तानी रिएक्ट्स। हाय गाइस, दिस इज मी अक्सा मलिक वंस अगेन ऑन पाकिस्तानी रिएक्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिएक्शन ऑन डिफरेंट एक्सप्रेस हाईवेज ऑफ एक्सप्रेस वेज ऑफ इंडिया, different and beautiful expressways in India. बिल्कुल, और ये वो वाले expressways हैं जो सबसे ज़्यादा popular हैं और सबसे ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो travelling होती है, मतलब vehicles जो हैं वो move करते हैं। इसके साथ साथ ही सबसे ज़्यादा main highways जो हैं ये उनमें से एक हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जो है ना ये एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ मिलाती हैं, तो इनका साफ सुथरा होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है, इनके बिना हम पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल, ये जो घंटों का सफर है वो मिनटों में और जो दिनों का सफर है वो घंटों में हो जाता है। घंटों में हो जाता है, बिल्कुल। ये वेज जो है ये हमें यही हमारे लिए यही आसानी पैदा करते हैं। नो डाउट पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेस वेज हैं, लेकिन आज हम देखेंगे इंडिया के एक्सप्रेस वेज आपके साथ मिलके थ्रू आवर वीडियो। इससे पहले कि अब हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल दीस वीडियोस एंड अपडेट्स। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वेलकम, छोटी सी वीडियो है, उसके बाद बताते हैं कैसी लगी हमें। तकरीबन 4 मिनट और 12 सेकंड्स की ये वीडियो है, और चलें अब मेरा ख्याल है हमें वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। 1, 2, 3 स्टार्ट। स्टार्ट। ये है जी एक्सप्लोर इंडिया की वीडियो। आसिफ इकबाल ये वीडियो बनाते हैं और ये है 10 अमेजिंग एक्सप्रेस वेज इन इंडिया। सबसे पहला जो नंबर 1 पे है वो है मुंबई एंड पुणे एक्सप्रेस वे। इस्लामाबाद के भी इसमें पहाड़ों के अंदर हाईवेज है, पहाड़ों के अंदर कटी हुई है, पहाड़ काट के जो है वो उसमें हाईवेज बनाए हुए। यहाँ पे जो मेन मोटरवे है उसको पहाड़ों में कट करके बनाया है। यहाँ पे पुणे, वाओ कितना अच्छा व्यू है ना। ये सेम वही हाईवे है जिस जो इस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान में मोटरवे है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। ये भी अच्छी है। हाँ, ये बिल्कुल प्लेन है, ग्राउंड पे बना हुआ है, मैदान में से कटा हुआ है कहीं, और ये मेरे ख्याल में 2 से 3 सिटीज के साथ लिंक करता है, और नो डाउट काफ़ी क्लीन और स्मूथ था। दिल्ली एंड गुड़गांव, दिल्ली टू गुड़गांव है आई थिंक सो। ये जो एक्सप्रेस वे है ना दिल्ली से एंटर होके तो गुड़गांव तक जाता है, काफ़ी बड़ा है ये हाईवे। यहाँ से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कितना बड़ा ये, अब लिंक आ रहा है अच्छा खासा। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है इसके बाद हमारे सामने 4 नंबर पे। या ये विद इन सिटी जो है वो किसी सिटी के साथ लिंक करता हुआ जो है वो जा रहा है। कौन सी सिटी है? बिल्कुल ये आपने बताना है वेस्टर्न। अच्छा ये भी बताइएगा कि वेस्टर्न हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे जो है वो किन किन सिटीज को आपस में लिंक करता है। यस, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे आई थिंक ये ईस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है ना ये वेस्ट और ईस्ट साइड इंडिया के जो है उनके साथ उनको कवर करता है, उनमें जितने भी एरिया आते हैं वहां से फिर उनको। ये बहुत अच्छा हाईवे था, मतलब वो बिल्कुल बनाया हुआ था ब्रिज नाइट में, देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा इस साइड पर शायद पानी है, दरिया है, यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना और गंगा है ना, यमुना गंगा और यमुना ये वो लग रहा है। वेलकम टू यमुना, यमुना एक्सप्रेस, ये देखो कितना प्यारा है स्पॉट। वाओ कितना खूबसूरत है ना, भी है इधर पाकिस्तान में ना। बिल्कुल, वैसे ये बहुत मजा आता है जब ऐसे ऊपर नीचे वेव्स में ना, हाँ वेव्स में जाता है, वेव्स में बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो सर्कल बहुत अच्छा था, वही सबसे मेरे ख्याल में मेन चीज है। जयपुर किशनगढ़, जयपुर टू किशनगढ़ एक्सप्रेस वे, किशनगढ़ नहीं देखा हमने, अब वो देखेंगे किशनगढ़, नेक्स्ट किशनगढ़ पे लिखेंगे। बिल्कुल मोटरवे लग रही है, नोएडा ग्रेटर नोएडा, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, ये दो है नोएडा सिटीज है ना, ये इन दोनों के लिंक है। ये हिंदी में क्या लिखा होता,
आउटर रिंग रोड हैदराबाद, रिंग रोड यहाँ पे लाहौर भी है, रिंग रोड पूरे लाहौर के अराउंड है, उसको रिंग रोड कहते हैं। और ये भी शायद कोई आउटर रिंग रोड है, ये भी रिंग की तरह शायद होगी। काफी लेन्स है ना एक हाईवे में। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, इसको दुर्गापुर क्यों कहा जाता है? ये दुर्गापुर भी कोई सिटी है आप लोगों की? ये भी अच्छा है, हमारे पंजाब के ठीक दरमियान में। देखिए कितना मजेदार से टेस्ट दिया है। अच्छा ये थे आपके एक्सप्रेस इंडिया के, इंडिया के एक्सप्रेस। अच्छा तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया की जो ट्रेन सिस्टम है ना वो पाकिस्तान से अच्छा है, मगर जो रोड्स है ना वो हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की मिलती जुलती रोड्स हैं। बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब कहीं पे लगा नहीं है कि हम इंडिया की रोड्स देख रहे हैं या पाकिस्तान की। बिकॉज मुझे कई जगह पे यही जो है लगा, कई जगह पे मुझे यही जो है वो कहते हैं ना कि आपको फील होना कि जैसे पाकिस्तान के आप मोटरवे पे मूव कर रहे हैं ना, वैसे ही आप इंडिया के रिंग रोड है, यहाँ पे भी रिंग रोड था और इसी तरह दूसरे सिटी वेस्टर्न वेज, और मगर यहाँ पे इसको मोटरवे कहते हैं। यहाँ पे M3, M2, M1 के नेम से जो है वो उनको जाना जाता है, यानी कि मोटरवेज को। यहाँ गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा काम जो करवाया है ना वो सिर्फ इधर रोड्स पे करवाया है, रोड पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, रोड पे बहुत ज्यादा अंडरपास बनाए हैं, बहुत फ्लाईओवर बनाए हैं, मोटरवेज बनाई हैं, रोड्स पाकिस्तान के अच्छे हैं। बिल्कुल रोड्स के ऊपर वर्क करने का वैसे बेनिफिट भी है, जितना आपकी रोड्स अच्छी होंगी ना उतना ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगी, उतना ट्रैवल करने में आपको मजा आएगा और उतने ही ज्यादा आपकी इकोनॉमिकली आपके अंदर आपकी कंट्री में ना बेटरमेंट आएगी। क्योंकि हमारे इधर जो सिटीज है ना वो ज्यादा दूर नहीं है, पास पास ही है, जैसे फैसलाबाद से लाहौर मुल्तान, ये वो ज्यादा कराची है तो वहाँ पे हम ट्रेन यूज करते हैं ज्यादातर, हम पिशावर और कराची यहाँ से यहाँ तक मोटरवे हम यूज करते हैं तो इजीली हम पहुँच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना ज्यादा ट्रैवलिंग है वो रोड्स पे है, रोड्स पे है तो रोड्स यहाँ पे अच्छी हैं। तो आपका ज्यादा ट्रैवल है ट्रेन पे तो आपकी ट्रेन बहुत अच्छी है। बिल्कुल, इंडिया की ट्रेन। साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन है कि ना ट्रेन जब हम लोगों ने ट्रेन के ऊपर किया था वहाँ पे एक ना लोकेशन थी वो बहुत खूबसूरत थी, वो इस तरह से ट्रेन गुजर रही है पीछे से वो क्या उसे कहते हैं पानी जो है वो गिर रहा था, आबशार जो थी वो बनी हुई थी और साथ ही पहाड़ थे। वहां से जब ट्रेन मूव कर रही थी ना मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ऐसी प्लेसेस में आपकी ट्रेन ज्यादा जाती है या हाईवेज जो है एक्सप्रेस वेज जो है, यानी कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे जयपुर में बहुत सारी प्लेसेस हैं वहाँ पे आप बाय रोड भी जा सकते हैं, सिर्फ ट्रेन ही लेनी पड़ती है। बिल्कुल ये अगर दोनों है तो फिर इजी वे तो मतलब ट्रेन ही होगा या हो सकता है, लेकिन यहाँ आप हमें सजेस्ट करेंगे बिकॉज आप वहाँ के सिटीजन है और आप इन दोनों चीजों को कैरी करते हैं, लेकिन खैर नो डाउट। अच्छा एक मूवी थी हाईवे के नाम से, वो थी आलिया भट्ट की, ठीक है। आपने बताना है कि वहां पे जो हाईवे लिया था ना उन्होंने वो जाता था शायद कश्मीर साइड पे जा रहा था या आई डोंट नो वो इनमें से था कोई, वो कौन सा हाईवे था वो आपने हमें बताना है कमेंट्स में। और खैर अब हमें आई थिंक इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहिए, इसके बारे में अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो या कोई गलत बात की हो तो आप हमें प्लीज करेक्ट कीजिएगा कमेंट्स में। और बहुत मतलब मैं ये कहना चाहता कि आपका रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा है, ये जो है एक्सप्रेस वे ये भी अच्छी है, लिंक कर रही है तो इसी तरह होनी चाहिए। तो ये जो चीजें होती है ना ये टाइम बचाती है, टाइम बचेगा तो आप तरक्की और बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उस टाइम को। सो आई थिंक अब हमें ये वीडियो वाइंड अप करनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें क्या सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे आर आई रिएक्शन जो हम दे चुके हैं ऊपर नीचे आर इनको देखना ना भूलेगा, हमारे दोनों चैनल आ रहे हैं इनको सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसे भी फॉलो अप करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, टिल देन बाय।